अरे या सो मैं रोको कैंसर से आज आई हूँ. हमारी पूरी टीम आई है और हम ब्रेस्ट, सर्विकल और ओरल कैंसर, जिसके स्टैटिस्टिक इंडिया में सबसे ज़्यादा है. ब्रेस्ट कैंसर औरतों में होने वाला सबसे नंबर वन कैंसर है और उसके बाद आता है सर्विकल कैंसर. और ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा आदमियों में है और ज़्यादातर ये तंबाकू जो लोग खाते हैं उनकी मुँह में देखा जाता है. तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोग कैंसर के बारे में क्या जानते हैं. कौन बताएगा? कोई बताएगा कैंसर क्या है? डेडली डिजीज. और कोई पीछे से? हाँ जी, इट्स एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल. ओके, एनीथिंग एल्स? आप लोग आप जांच कराने आए हैं, आप बताइए किस चीज की जांच कराने आए हैं. कैंसर क्या है? कुछ भी जानते हैं? कैंसर सुना था नाम पहले? सुना था? क्या सुना है? बहुत बुरी बीमारी है. ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कैंसर क्या है. आप लोगों ने सही कहा, कैंसर बहुत बुरी और जानलेवा बीमारी है. ठीक है, बट अगर इसका सही समय से ये बीमारी पकड़ी जाए तो इसका पूरा पूरा इलाज है और तब ये जानलेवा नहीं है. ठीक है, कैंसर क्या है? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कण से. सेल्स होते हैं ना, जैसे एक इमारत है वो ईंटों से बनी होती है, ऐसे ही हमारा शरीर कणों से बना होता है. एक कण और कणों को पैदा करता है और खुद मर जाता है. ठीक है, बट अगर ये कण बढ़ते चले जाएं, ये सेल्स जो हमारे शरीर में है मल्टीप्लाई होए, बढ़ते जाएं, तो क्या होगा? गांठ बन जाएगी, उसको हम कैंसर कहेंगे. ठीक है, आप सब समझ रहे हैं? हाँ, तो उस गांठ को हम कैंसर कहते हैं. अब ये बीमारी खतरनाक क्यों है बाकी बीमारियों से? इसीलिए है क्योंकि कैंसर फैलता है. जैसे कमरे हमारे घर में दीमक लगती है, एक दरवाजे पर लगती है और देखते ही देखते पूरे घर में लगती है, ऐसा होता है. ऐसे ही कैंसर, अगर स्तन का कैंसर है मान लीजिए, तो वो शुरू स्तन से होता है. शुरू में एक गांठ होगी छोटी सी, बट अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे या वो आपके पकड़ में नहीं आएगी, तो धीरे धीरे वो कैंसर हो सकता है हड्डियों में फैल जाए, आपके फेफड़ों में फैल जाए, हड्डियों में फैल जाए, कहीं भी फैल सकता है. इसीलिए कैंसर खतरनाक है और तब वो जानलेवा बन जाता है. बट अगर हम कैंसर को अभी इसी समय सही समय पे पकड़ लें तो वो जानलेवा नहीं है.